देखिए 17/18 की रात्रि में एक हिम्मत कौल नाम के व्यक्ति की हत्या जो है थाना हलिया में की गई थी, जिसमें लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, वहां के वन विभाग के जो रेंजर हैं भास्कर पांडे, उनके ऊपर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। जब इसकी विवेचना की गई, जिसमें ये पाया गया कि इसमें ये हत्या जो है रेंजर को फंसाने के लिए की गई थी, क्योंकि रेंजर वन विभाग के वहाँ के अधिकारी हैं और वहाँ पर जो भी अतिक्रमण होता है उसको लेके ये मुकदमे लगातार लिख रहे थे, और जो जानवरों के जो हत्या की जा रही थी वो भी मुकदमे लिख के कई लोगों को जेल भेजा था, जिसके कारण से ये अदालत प्रसाद कौल और धर्मराज प्रसाद कौल और हिम्मत कौल ये साथी थे। इनको ये था कि वन रेंजर को फंसाने का यही तरीका है कि हम लोग हिम्मत कौल जो काफ़ी उम्र के थे 60 के आसपास, इनकी हत्या कर दें और इसमें हम लोग इनको फंसा दें, जेल चले जाएंगे ये। और ऑलरेडी ये धर्मराज अदालत और हिम्मत कौल एक मामले वांछित थे, तो इनको ये था कि हमें जेल नहीं जाना पड़ेगा और ये वन रेंजर खुद इसमें फंस जाएगा। तो इन्होंने ये प्लानिंग करके उसको फ़ोन करके इन्होंने हिम्मत कौल को रामलीला देखने के बहाने बुलाया और उसके बाद इन्होंने इसकी हत्या कर दी। और इसमें ये कल इसका जो है अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है अदालत प्रसाद कौल, दूसरा अभियुक्त धर्मराज जो है अभी फरार है। मैंने भी जैसा आपको बताया कि रेंजर के द्वारा जो है वन विभाग के अधिकारी हैं वहाँ पे वन के जो पशु या पेड़ पौधे काटने को लेकर जो मुकदमे लिखे जाते हैं उनको लेकर इनमें काफ़ी रोष था, और इनका कहना था कि हमारे इस तरह के मुकदमे लिख के हमें फंसाया जाता है और हम इसमें जो है रेंजर को ही अगर हम फंसा दें तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं।